सो हेलो जी फैमिली, यार कैसे हो सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं चुका हूँ फिर से कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स के एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, यार वीडियो को एंड तक देखना। सो ट्रिक नंबर फर्स्ट को करने के लिए आपको लैम्बोर्गिनी कार को लेकर आ जाना है इस वाले ब्रिज के पास। भाई ऐसा ब्रिज बहुत जगह मैप में आप लोग कहीं पर भी जा सकते हो। और फिर आपको कार को कुछ इस तरीके से पूरा अंदर ले जाकर ठोक देना है, और फिर आपको सिंपली गेट आउट करना है और एंटर करके फिर से गेट आउट करना है। इसके बाद आपको स्प्रिंट करते करते जंप करना है। तो इतना करने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके से जमीन के अंदर आ जाओगे, और यहाँ बैठ के आप लोग बहुत ही अच्छे से रैंक पुश कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे किसी भी साइड से कोई भी एनिमी आपको नहीं देख सकता। और आपको यहाँ पे एंटर करना है तो आप लोग यहाँ से ऊपर का व्यू भी कुछ इस तरीके से देख पाओगे। और जैसे कोई एनिमी है सिंपली आपको गेट आउट करना है और स्प्रिंट करके जंप करना है, और आप लोग जमीन के अंदर फिर से आ जाओगे। सो ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पे ब्लू वाली कार को लेके, और कुछ इस तरीके से आपको जॉयस्टिक को पकड़ के रखना है और फिर चलाते रहना है। और उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो गाड़ी को रिसेट कर दे। तो जैसे ये रिसेट करेगा आप लोग कुछ इस तरीके से आ जाओगे जमीन के अंदर। तो अब भाई आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से बाहर आने के लिए आपको भाई इस साइड में पानी के साइड में आना है, तो आप लोग इजीली यहाँ से बाहर भी आ जाओगे। सो ट्रिक नंबर थ्री को करने के लिए आपको आ जाना है इवेंट वाले पेज में, और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली इन दोनों पे जल्दी जल्दी टैप टैप करना है। तो जैसे आप लोग ऐसा करोगे कुछ इस तरीके से भाई आपका बैक का स्क्रीन पैनर के पीछे चला जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कट कर देना है और जाना है अपने प्रोफाइल में। और जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल में चले जाओ, यहाँ पे आपको भाई 1 2 3 लिखा हुआ कुछ दिखेगा, आपको सिंपली इस पर टच करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई मेरे प्रोफाइल से कैरेक्टर गायब हो चुका है और भाई बैक का स्क्रीन आ चुका है। भाई कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। और स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्रेंड लोगों को भी सरप्राइज कर सकते हो। और अगर आप लोग ग्रुप में जाओगे तो भाई यहाँ पे देख ही सकते हो कैरेक्टर गायब हो चुका है और भाई पूरा स्क्रीन ब्लैक हो चुका है, और कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। ट्रिक नंबर फोर को करने के लिए आपको आ जाना है टारगेट रेंज में, और यहाँ आने के बाद आपको जैसे ही लगे आप लोग कॉम्बैट जोन में जाने वाले हो उसी टाइम पे आपको डाटा को ऑफ कर देना है। तो आप लोग वापस से यहीं पे आ जाओगे, और उसके बाद आपको जाना है इस ब्लू वाले डब्बे में, और यहाँ पे आपको शूटिंग प्रैक्टिस को टच कर देना है और फिर डाटा को ऑन कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, और फिर वेट करना आपको पिंक के नॉर्मल होने का। तो जैसे आपका पिंक नॉर्मल होने लगेगा आप लोग इस तरीके से आ जाओगे कॉम्बैट जोन में, और उसके बाद सिंपली आपको एडवांस पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो जैसे आप लोग इतना कर दोगे तो भाई आपका ट्रिक हो चुका है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई मैं शॉटगन से कितना ज्यादा फायर कर पा रहा हूँ, भाई शॉटगन पे बिल्कुल भी रिलोड आ ही नहीं रहा। और जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाए सिंपली आपको ट्रायल अगेन में टच करना है, तो आप लोग भाई फिर से इसी ट्रिक को कर सकते हो। भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो यार, आप लोग देख ही सकते हो। और इससे जो भी डैमेज पड़ता है ना वो भाई बिल्कुल भी फेक नहीं रहता। आप लोग यहाँ देख सकते हो मैं अनलिमिटेड बार फायर करते जा रहा हूँ MP40 से, और यहाँ पे ये एनिमी किल भी हो चुका है। तो ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे कंट्रोल में आने के बाद होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली किसी भी मशरूम या फिर रिपेयर किट के पास जाना है स्नाइपर को लेके, और यहाँ पे आपको यूज और फायर बटन को जल्दी जल्दी टैप टैप करना है। तो जैसे आप लोग ऐसा करोगे तो भाई आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो क्या हो रहा है। भाई मेरा स्नाइपर कितना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, आप लोग भाई एक बार साउंड सुनो इसका। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से ट्रिक है भाई, आप लोग भी अपने फ्रेंड को सरप्राइज कर सकते हो। सो ट्रिक नंबर 6 को करने के लिए आपको आ जाना है लॉबी में, और यहाँ आने के बाद सिंपली आपको पीछे जो गन रखने का स्लॉट दिखता है ना सिंपली वहाँ पे टच कर देना है, और वेट करना है अपने फ्रेंड के इनवाइट का। जैसे आपका फ्रेंड यहाँ पे आपको इनवाइट करेगा ना सिंपली आपको वहाँ पे टच करने के बाद उसके प्रोफाइल को इंस्पेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो भाई उसके प्रोफाइल से कैरेक्टर बिल्कुल गायब हो चुका है, और कितना ज़्यादा अमेजिंग सा दिख रहा है। और इतना ही नहीं, जैसे आप लोग यहाँ पे कट करोगे उसके प्रोफाइल को तो यहाँ पे आपका स्क्रीन भाई कुछ इस तरीके से भाई बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग सा दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, और ये गाड़ी ग्लूवाल भाई सबके साथ वर्क करता है। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको जाना है एल्पाइन मैप में किसी भी पेट्रोल पंप के पास, और यहाँ पे आप लोग देखोगे कुछ ना कुछ लूट भाई पहले से ही ड्रॉप रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे जो भी लूट रहता है ना वो कुछ इस तरीके से हवा में फ्लोट करता रहता है, और यहाँ पे आप लोग अपने बैग से भी जो भी लूट फेंकोगे ना तो वो भी भाई हवा में कुछ इस तरीके से फ्लोट करता रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार कितना ज़्यादा अमेजिंग से दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको आ जाना है फ्री फायर मैक्स में, यहाँ पे आपको भाई सबसे पहले अपने हाथ से शो इन लॉबी वाला गन को हटा लेना है। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है कैरेक्टर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको मुगेल कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सिंपली आपको कैरेक्टर पे टच करके प्रीसेट से कपड़े को चेंज कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसके यहाँ से भाई गन गायब हो चुका है, और भाई वो गन पकड़ने की पोजिशन में खड़ा है, कितना ज़्यादा फनी सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। तो अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की, इसके लिए आपको आ जाना है सोशल जोन में,
और यहाँ पे आपको सिंपली स्प्रिंट करते हुए फ्री लुक को पकड़ लेना है और जॉयस्टिक को टच कर देना है। तो आप लोग खड़े हो जाएंगे, उसके बाद सिंपली आपको सर्वबोर्ड को ऑन कर लेना है और अपने फ्रेंड को बोलना कि वो आपको फ्रीज कर दे। तो जैसे आपका फ्रेंड आपको फ्रीज करेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई आपका करेक्टर का सर कुछ इस तरीके से घूमने लगेगा यार, कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। और ये आपके फ्रेंड और एनिमी सबको दिखने वाला है यार, बहुत ज़्यादा मस्त दिखता है। सो ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको इस तरह के किसी भी घर में बाइक को लेके आ जाना है। और भाई आज का क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे जो बाइक का स्किन यूज कर रहा हूँ इस स्किन का नाम क्या है, तो जो भी इसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो भाई इस तरीके से आपको गाड़ी को अंदर ले आने के बाद इस रूम के अंदर ले जाना है और कुछ इस तरीके से गाड़ी को लगाने के बाद आपको गाड़ी को चला देना है। और इसके बाद आप लोग इस घर में बैठ के आराम से रैंक पुश कर सकते हो, किसी भी साइड से कोई भी एनिमी नहीं आ पाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ से बाहर निकलने का कितना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं जा पा रहा, और मैं यहाँ पे फायर करके एनिमी को बुला रहा था लेकिन भाई एनिमी ने यहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया कुक करके, तो मैं यहाँ पे किल हो चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो एनिमी भी भाई बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे से रैंक पुश कर पाओगे। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक बोनस ट्रिक बताता हूँ। सो इस ट्रिक के लिए आपको किसी भी भाई चार्ज वाले गन को ले लेना है, जैसे कि प्लाज्मा गन, ट्रीटमेंट गन। तो आपको पता होगा हम लोग इसका एमओ बिल्कुल भी नहीं दे सकते, लेकिन आपको सिंपली गन को हाथ में लेना है और ग्लूवाल हाथ में लेना है। तो जैसे आप लोग अपने हाथ में ग्लूवाल को लोगे ना, तो इसका एमओ भाई कुछ इस तरीके से ऊपर में आपको दिखाने वाला है। आप लोग यहाँ पे ऊपर में देख ही सकते हो भाई एमओ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।